गाइस, एक बार फिर से स्वागत है न्यू वीडियोस में। आज हम गए हैं खेत में और खेत में लगाए हैं हम धान, जो कि कुछ टाइम पहले हमने आपको दिखाया था कैसे इसमें धान डालेंगे। पहले गोबर डाला हमने, पहले इसको लेवल किया, फिर गोबर डाला। अब दिखाएंगे आगे आपको। आ जाओ, दबाएंगे अच्छे तरीके से, जिससे ये बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए इसमें। फिर ये लेवल हो जाएगा और उसके बाद लेवल करने के बाद फिर मज़े से हम इसमें धान डालने की कोशिश करेंगे। इतना अच्छा गोबर है ना, आप ही आगे गोबर में। हाँ, बहुत ही ज़्यादा गोबर डाला है हमने इसमें। गोबर को पूरा ख़त्म करना है, इसके ऊपर से चल चल के पूरा दबा देना है हमने, ठीक है। इसको दबाने के बाद फिर हमने वो धान से जितना भी गोबर डाला है ना हमने, तो ये एकदम से ख़त्म हो जाएगा। ये बिल्कुल लेवल में आना चाहिए, तब जाके ये सही रहेगा। वहाँ से मम्मी भी आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे काम करेंगे। देखो इस तरह से करना है इसको। दादी क्यों ना रही? इसको इस तरह से गोबर को नीचे करना है, इधर इधर ऐसे पांवों के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये गोबर बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए, जिससे हमने जो बीज डालना है वो इसके ऊपर स्टेबल रहे, जिससे धान के छोटे छोटे पौधे यहाँ से ही निकलेंगे। देख रहे हो आप कैसे इस गोबर को हम इस मिट्टी में मिक्स कर रहे हैं। तो इस तो मिक्स करने के बाद इसमें धान लगाना है हमने। ये देखो, यहाँ से आपने देखा था पहले कि इसमें कितना गोबर डाला था हमने, जो कि इसके ऊपर था। इसके ऊपर से चलने से जो सारा गोबर है ये इसके अंदर चला जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ, आपको हम पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे तो हो गया, आपने पहले देखा होगा कैसे गोबर को दबा रहा था मैं। ये पूरा ही दब जाना चाहिए मिट्टी के अंदर, तब जाके ये अच्छे पौधे निकलेंगे यहाँ से, वो भी धान के। फिर उसको मैं भी दूसरे खेतों में लगाने ले जाना, ठीक है। अच्छे तरीके हवा, उधर से बादल भी हैं। देखो बादल, बादल दिखाओ, बादल कितने अच्छे बादल हैं, है ना बादल भी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कभी किसी वीडियोस में। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें।